हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी। और मेरे चैनल में आपको तो बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को सेल्फ हेयर कट की हेयर कट बताऊंगी। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम सेल्फ हेयर कट बताइए। लॉकडाउन की वजह से हम लोग बाहर सैलून में हेयर कट नहीं कराने जा पा रहे हैं, तो इसके लिए मैं आज आप लोगों को सेल्फ हेयर कट बताने वाली हूँ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करो तो सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस तरीके की वीडियो देखनी है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी गर्ल्स हैं तो अपना हेयर कट खुद से कर पाएँ लॉकडाउन में घर पर। तो आपको सिंपली करना क्या है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। प्लीज़ गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करना है, अपने बालों को अच्छे से कॉम करके सुलझा लेने हैं। उसके बाद से आपको बीच की मांग निकालनी है। ओके, इस तरीके से आई होप दिख रहा होगा। इस बीच की मांग निकालने के बाद एकदम स्ट्रेट कॉम कर लेना है। और मेरे बहुत सारे व्यूवर्स पूछते हैं कि मैम आपने अपने बालों में कलर कौन सा किया था, तो मैं वो कलर भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो मैंने अपने बालों में ये वाला कलर किया था, आई होप दिख रहा आप लोगों को, नीसा है और ये वाला कलर है। इसको आप एक घंटे रखोगे बालों में तो पूरा ऐसा कलर आ जाएगा, और मेरे जैसा कलर चाहिए तो आपको आधे घंटे रखना है। ओके, तो इस तरीके का रेड टाइप का कलर आएगा। अगर गोल्डन कलर करना है तो आपको एक घंटे तक बालों में इस कलर को रखना पड़ेगा, और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। लेकिन आप जब भी यूज़ करो तो चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप कान के पीछे यहाँ पे थोड़ा सा कलर लगा लो, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा कलर लगा के 5 मिनट छोड़ दीजिए। अगर आपको जलन खुजली होता है तो आपको कलर नहीं करना है, और कुछ भी नहीं होता है तो आप कलर कर सकते हो। ओके, तो चलिए हेयर कट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस तरीके से बालों को कॉम कर, इतना हेयर मेरा कट हो गया है, आई होप दिख रहा हूँ आप लोगों को। तो इतना हेयर मैंने कट किया। अभी मैं अपना फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ कि कैसे कट हुआ है। अगर फर्स्ट टाइम में हो जाए, मेरा तो मतलब मुझे आता है तो फर्स्ट टाइम हो गया। अगर हो सकता है कि आपका फर्स्ट टाइम में ना हो, तो फिर भी आपको क्या करना है, दोनों हेयर्स को पकड़ने हैं और यहाँ से एकदम जो नोज होती है ना, एकदम सीधी यहाँ पर लेके आनी है, और एकदम नीचे तक लेके जाइए और चेक कर लीजिए। मेरा एकदम स्ट्रेट बराबर आया हुआ है, आपका थोड़ा भी ऊपर नीचे हो तो आप उसको कट कर दोगे। ओके, तो फाइनल लुक क्या आया है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है बालों का फाइनल लुक। ये देखिए, हल्का यू में भी आ जाता है। इस तरीके से आप कट करते हो बिल्कुल अच्छे से कट हो जाएगा। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस। यहाँ पे दिख नहीं पाया इसलिए मैंने पिक डाल दी थी, और भी एंड तक देखिए और भी फाइनल लुक देखने को मिलेंगे। मेरी वीडियो देख के अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी इस तरीके की वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना, ताकि और भी लोग घर पर बैठ के अपना हेयर कट कर पाएँ, और मेरी वीडियो देख के काफ़ी हेल्प मिल जाएगी उनको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करिए। बाय बाय।